हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये आपको फ़ोटो दिख रहा है यहाँ पर, ये फ़ोटो आज हम इस प्रकार का फ़ोटो बनाएंगे, यानी प्रोफेशनल फ़ोटो। अगर मान लीजिए आपको कोट पैंट के साथ या ब्लेजर्स के साथ फ़ोटो बनाना है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक हमारा फ़ोटो है जो हमने स्कैन किया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे फ़ोटो को स्कैन किए हैं, तो फ़ोटो को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे, क्योंकि फ़ोटो पे देखिए यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं आपको। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दाग धब्बे को हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दाग धब्बे को हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ब्लेज़र है, यानी हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हम क्या करेंगे, पहले क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको क्रॉप किया, उसके बाद यहाँ से इंटर। इसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, फ़ोटो को काटना है, तो आप काट सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रहने दीजिए ऐसे ही। यहाँ पे हमने फेदर लेके इसको काट दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड हमने इसको सफ़ेद कर दिया। इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कोट है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नया पेज लेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ये हमारा फ़ोटो है, हम इसको क्या करेंगे, इस फ़ोटो को इसमें लाएंगे, और जो हमारी यह कोट है, हम इसको क्या करेंगे, इसमें उठा के रख देंगे। और इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है अपने हिसाब से, इसको हमको एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नीचे लाया, और इसके बाद यहाँ पर इसको हम नीचे रख दिए। अब दोस्तों, को क्या करना है, अपने हिसाब से इसको हमको एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक किए, और उसके बाद हम यहाँ से इसको बढ़ा दिए। तो दोस्तों, देखिए हमने इसको क्या किया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। हमने यहाँ पे देखिए क्रॉप कर लिया, इंटर। यहाँ पे देख लीजिए,
इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इरेजर टू ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हल्का हल्का है हम इसको क्या करेंगे यहाँ से इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे दोस्तों जो हमको दिख रहा है बाहरी हिस्सा, हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट करेंगे लेयर वन पे। और उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट करना है उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ से फेदर लेके और डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा डिलीट हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए हल्का सा इसको फोटो को साफ करना है तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम इसको मर्ज कर देंगे कंट्रोल सी पी के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल एम करेंगे या हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में और यहाँ पे हम क्या करेंगे लेबर ले लेंगे या कर्व ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लेबर ही ले लेते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर देना। तो हम यहाँ पे देख लीजिए इसको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या, दोस्तों ये हमारा फोटो बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो हम यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे। क्रॉप पे जाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है साइज़ को सेट करना है। तो हम यहाँ पे साइज सेट करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे साइज सेट कर लिया है। उसके बाद इसका रेजुलेशन हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने इंच दिया है यहाँ पे क्या करेंगे सीएल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्रॉप कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से इसको इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल ए करने हैं। और कंट्रोल ए करने के बाद हमको यहाँ पे स्टॉक लगा देना है। तो हम यहाँ पे स्टॉक लगा दिए हैं। और इसके बाद हमको क्या करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से हम आएंगे न्यू पे। न्यू पे आने के बाद हमको यहाँ पे लेटर साइज ले लेना है या जो आप जिस प्रकार से फ़ोटो बनाएंगे आप यहाँ पे ले सकते हैं साइज। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 4x6 बनाना है हमको तो आप यहाँ पे 4x6 लेंगे। अगर मान लीजिए 5x7 बनाना है तो आप 5x7 ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए जो भी आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए ये वाली साइज ले लिए। और उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप के साथ से यहाँ पे दबाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या किया कंट्रोल भी किया। और इसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर में कर लिए। सेंटर में करने के बाद हमको यहाँ पे इसको बना लेना। दोस्तों इस प्रकार से हम प्रोफेशनल फ़ोटो को बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।